करने से पहले, क्योंकि लास्ट वीक में हमारी क्लास हो भी थी और कल नहीं हो सकी, आज क्लास हो रही है. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, जो लास्ट वीक में हमने दो क्लासेस हुई थी, इंट्रोडक्टरी क्लासेस थी, कुछ डिस्कस हुआ था, अगर आपका उस हवाले से कोई क्वेश्चन है एंड आई आस्क यू कि आप थोड़ी सी स्लाइड्स और कुछ बुक का चैप्टर रेफर किया था कि आप उसको रीड आउट करें, और अगर आपने उसको रीड आउट किया है एंड यू वांट टू रेज एनी क्वेश्चन तो आप हैंड रेज कर सकते हैं. मैं फर्स्ट जो अभी 10 मिनट्स हैं, 10-12 मिनट्स, इस पर आपके सवालों के जवाब दूंगा, और अगर कोई है तो. अदरवाइज जो अगली बात है वो हम कंटिन्यू करेंगे. इफ़ देयर इज एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी रिगार्डिंग लास्ट टाइम्स डिस्कशन, यू मे रेज नाउ. If anyone want to ask something, he or she has to raise her or his hand. Hand raise करके पूछ सकते हैं. जी, who has? जी दानिश, आप पूछ लें, क्या पूछना चाह रहे हैं? जी दानिश रजा, यू हैव रेज योर हैंड, आप अपना सवाल पूछ लें. जी सर, आवाज आ रही है आपको? जी जेंटलमैन, बोले आप. जी सर, मेरी आज फर्स्ट क्लास है, तो आपने कोई अगर कोई ग्रुप वगैरह कोई शेयर किया तो बता दें, मैं फिर बाकी लेक्चर्स फिर सुन लूंगा. ग्रुप जो है, अगर आप लाहौर कराची जिस भी शहर से हैं, यू मस्ट हैव सम फेलोज, आप उनसे QR कोड ले लीजिएगा, वो ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप का, उसमें मटेरियल वगैरह भी शेयर हो जाता है, आप उनसे ले लीजिए. ठीक, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू. आप अपने हैंड को खुद ही लोअर कर लें. जी, एनी अदर क्वेश्चन? सो इफ देयर इज नो क्वेश्चन, आई विल स्टार्ट फर्दर. मैं थोड़ा सा रीकैप कर दूं व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास, और फिर उसको मैं लिंक करूंगा अभी जो हम आज डिस्कशन करेंगे. गुफरान, जी गुफरान, वी हैव रेज योर हैंड, आपने खुद ही लोअर भी कर लिया. ओके, दैट्स फाइन. ओके जी, लेट मी नाउ, अब हम सवाल थोड़ा सा बाद में लेंगे, अभी मैं कुछ चीज़ डिस्कस करूंगा फिर आगे लेके चलेंगे. इन द लास्ट सेशन व्हाट वी हैव डिस्कस सो फॉर, हमने एलैबोरेट किया था बड़े अकाउंटिंग, और फिर हमने समझने की कोशिश की कि कुछ अकाउंटिंग के यूज़र्स होते हैं, और यूज़र्स को ब्रॉडली हम दो हिस्सों में क्लासीफाई करते हैं. कुछ इंटरनल यूज़र्स हैं एंड देन देयर आर सर्टन एक्सटर्नल यूज़र्स. और अकाउंटिंग की भी दो ब्रांचेज हैं, एक जो आप पढ़ते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ प्राइमरली फॉर फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स ऑफ एक्सटर्नल यूजर्स स्पेसिफिकली. वो तमाम इंफॉर्मेशन जो पब्लिकली आपने अवेलेबल करनी है, उस पब्लिकली अवेलेबल करने के लिए जो भी रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, दे आर बिंग गवर्न्ड अंडर फाइनेंशियल अकाउंटिंग. हाउएवर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, दैट डजंट मीन के वो इंटरनल यूजर्स को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सपोर्ट नहीं करती करती है, बट इंटरनल यूजर्स की कुछ स्पेसिफिक एडिशनल नीड्स हैं, जो वो एडिशनल नीड्स हैं, वो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन उनको रिक्वायर्ड है, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जरिए से गैदर की जाती है. ऐसी रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं जो शायद हम पब्लिकली अवेलेबल करना भी नहीं चाह रहे, और ना हम पे कोई बाइंडिंग है कि हम वो पब्लिकली अवेलेबल करें. सो इन द लाइट ऑफ दैट, हमने लास्ट टाइम मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डिफाइन करने की कोशिश की थी, जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का जिक्र आया था कि हम जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कर रहे हैं वो मैनेजर्स को यूजर्स को बात नहीं हो रही, मैनेजर्स को, इंटरनल यूजर्स को, मीन द पीपल आर गोइंग टू मैनेज द बिजनेस, उनको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है जिससे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके. सो देन हमने लास्ट टाइम थोड़ी सी बात की, व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. जनरली इट इज़ बीइंग सेड कि कोई भी बिजनेस हो, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका ऑब्जेक्टिव प्राइमरली प्रॉफिट अर्न करना है. बट वी हैव डिस्कस समवट कि अगर कोई एक बिजनेसमैन 100 का प्रॉफिट अर्न कर रहा है और कोई दूसरा बिजनेसमैन
1000 का प्रॉफिट अर्न कर रहा है, कोई 1 लाख का प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो इसका मतलब अगर ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना है तो एवरी वन इज अर्निंग समथिंग। प्रॉफिट तो अर्न हो रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 100 वाले प्रॉफिट से मुतमिन नहीं है, और जो 1000 वाला है शायद वो 1000 वाले प्रॉफिट से सेटिस्फाई नहीं है, ही वॉन्ट टू अर्न मोर। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी हैव डिफाइंड कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव शायद प्रॉफिट अर्न करना नहीं बल्कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। सो हाउ टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, ये समझने के लिए हमने लास्ट टाइम थोड़ी सी बात की थी कि अगर हम देखें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाते हैं तो सेल्स में से आप माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर आप ये माइनस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट ग्रॉस प्रॉफिट होता है, और ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आप इसमें से माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो देन आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचते हैं। एंड देन ऑनवर्ड्स आपके इलम में है कि आप टैक्सेस वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह माइनस करते हैं। बट लेट मी क्लैरिफाई टू यू कि जो प्रॉफिट है, चाहे वो ग्रॉस प्रॉफिट हो चाहे वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, वो किसी चीज़ का खुद से नाम नहीं है बल्कि ये दो चीजों के रिजल्ट का नाम है। गाड़ी मैंने कहा था कर सकते हो, इधर कर लो गाड़ी। जी सॉरी, सो वी आर टॉकिंग अबाउट कि प्रॉफिट इन सेल्फ कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट तो दो चीजों के रिजल्ट का नाम है। प्रॉफिट का मतलब सेल्स में से, रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस किया जाए तो प्रॉफिट होगा। सो अगर हम यहाँ पे मेंशन करें कि एक बिजनेस है जिसका रेवेन्यू लेट्स सपोज 100 है और कॉस्ट इसकी 80 है, तो हम कह सकते हैं प्रॉफिट 20 है। सो इफ़ यू वांट टू मैक्सिमाइज दिस प्रॉफिट, तो हमारे पास दो रास्ते हैं, हम कॉस्ट को उतने का उतना रहने दें। तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि अपने रेवेन्यू को बढ़ा दें, लेट्स सपोज 120 रेवेन्यू हो जाए तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 40 का हो जाएगा। सो वन वे टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट इज टू इंक्रीज योर रेवेन्यू। अगर हम रेवेन्यू इंक्रीज नहीं कर सकते, ना कर सकने की रीजंस भी हमने लास्ट टाइम बयान की थी, अगर हम रेवेन्यू इंक्रीज नहीं कर सकते, अभी उस पर भी बात कर लेते हैं क्यों नहीं इंक्रीज कर सकते। अगर रेवेन्यू इंक्रीज नहीं कर सकते तो ऑल्टरनेट वे विद अस इज To reduce our cost, हमें अपने cost को कम करना है। अगर हम अपने cost को कम कर लेते हैं तो हम अपने organizational objective को achieve करने की तरफ जा सकते हैं। Organizational objective क्या है? Profit को maximize करना है। तो अगर हम profit maximize करना चाहते हैं, profit maximize करने के लिए either or है, या तो आप cost को minimize कर लें या आप revenue को maximize कर लें। तो फिर लास्ट टाइम ये बात हुई थी कि रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, बिकॉज रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए वट एवर एफर्ट्स वी आर पुटिंग उन तमाम चीज़ों के बावजूद हम जितनी भी एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना सारे के सारा हमारे इख्तियार में नहीं है, बिकॉज बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जो रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन को, रेवेन्यू को इफेक्ट करते हैं। अगर वो रेवेन्यू को इफेक्ट करते हैं, वो तमाम के तमाम फैक्ट्स जो हैं, जितने भी और चीज़ें हैं, लाइक हमने अगर अपने रेवेन्यू को बढ़ाना है तो एक तरीका ये है कि हम एडवर्टीज़मेंट को इन्हेंस करें, चीज़ों की मार्केटिंग बेहतर अंदाज में करें। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर हम रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए ये काम कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट वाला, तो हमारा कंपेटिटर नहीं कर रहा होगा। हो सकता है हमारा कंपेटिटर करे और शायद हमसे एग्रेसिव मार्केटिंग करे और हमारा रेवेन्यू बढ़ने की बजाय शायद उसका रेवेन्यू बढ़ जाए, हमारा भी बढ़े लेकिन प्रोपोर्शनेटली उतना नहीं बढ़ा जितना हमने मार्केटिंग पे पैसा स्पेंड किया है। तो अ नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर जो कि बियॉन्ड ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल है, ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं है। सो द ओनली थिंग विच इज़ इन द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो कॉस्ट है जो इन इट सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन खुद इनकर करती है। तो प्राइमरीली सबसे पहले जिस चीज़ पर फोकस किया जाना चाहिए वो उस कॉस्ट की मिनिमाइजेशन की तरफ है। आप में से बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होंगे, आप में से बहुत सारे लोग वर्किंग क्लास से बिलोंग करते हैं, तो मैं इस कोविड वाले सिनेरियो के अंदर आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उस बात को अंडरस्टैंड करिएगा। क्योंकि इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान इंडस्ट्रीज बिजनेसेस बंद हो गए, तो जो बिजनेसमैन थे, जो बिजनेस ओनर्स थे, जो एंटरप्रेन्योर्स थे, उन्होंने अगर वो नुकसान में जा रहे थे तो उनको उस नुकसान को कम करने का जो तरीका फौरी नज़र आया वो कॉस्ट कटिंग था,
कॉस्ट को मिनिमाइज कर लिया जाए, मीनिंग एम्प्लॉयज को सैलरी ना दी जाए, एम्प्लॉयज की सैलरीज पे कट लगा दिया जाए. देर आर मैनी वेज विच आर बींग ट्राइड बाय द पीपल जो कि फील्ड में काम कर रहे हैं, दे आर अवेयर ऑफ दैट. सो रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने पे जोर नहीं दिया. जितना रेवेन्यू था वो ऑनलाइन पे जाके भी रेवेन्यू बढ़ सकता था, या ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ लोगों को कन्विंस करके होम डिलीवरी की सर्विस दे के दुकान ओपन किए बगैर, बिजनेस ओपन किए बगैर भी चीज़ें डिलीवर की जा सकती थी और रेवेन्यू कमाया जा सकता था. जो बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं, लाइक जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, गारमेंट्स के ब्रांड्स हैं, उन्होंने शायद ये ऑनलाइन जो ऑर्डर्स वाला काम है किया और लोगों के डोर से चीज़ पहुँचाई. शू स्टोर्स वाले भी बहुत सारे ऐसे थे, लेकिन द पीपल वो आर हैविंग यू नो टेक्नोलॉजी से थोड़े से अवे थे, उन्होंने ऑनलाइन बिजनेसेस डेवलप नहीं किए हुए थे, ऑनलाइन शॉपिंग वाला काम शुरू नहीं किया हुआ था, तो दे वर अवे फ्रॉम दैट. तो उनके पास शायद एक ही रास्ता था, रेवेन्यू अगर बढ़ा नहीं सकते तो कॉस्ट को कम कर लें, और कॉस्ट को कम करने के लिए देर इज़ वन वे, एक ये भी था कि एम्प्लॉयज़ की सैलरीज को कुछ रिड्यूस कर दिया जाए फॉर द टाइम बीइंग, परमानेंटली, वट एवर. ये आमतौर पर हमें प्रैक्टिकली भी नज़र आता है. और अगर हम इस चीज़ को लिंक करें, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूजली होता है, अगर कोई पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ही उसको प्राइवेटाइज किया जाता है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन से मुराद वो ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है. जैसे हमारे यहाँ PIA का नाम आपने बहुत सुना हुआ है कि वो लॉसेज में जा रही है. उसकी एक मेन रीज़न जो आमतौर पर पोलिटिकल लोग बताते हैं या एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, वो ओवर स्टाफिंग है, कि बहुत ज़्यादा स्टाफ रखा हुआ है, उतनी ज़रूरत नहीं है. सेकेंडली, अगर आप पाकिस्तान रेलवे का नाम सुनते हैं तो आपको लॉस की चीज़ें नज़र आती हैं. इसी तरह पाकिस्तान स्टील मिल्स का नाम सुनते हैं तो आपको ये सारे के सारे वो इदारे हैं जो कि बिजनेस वेंचर्स ही हैं, बट दे आर इन स्टेट कंट्रोल, गवर्नमेंट उनको रन करती है, लेकिन हमें वो अपेरेंटली लॉस में जाते हैं. तो गवर्नमेंट आमतौर पर, जैसे आप सुनते भी हैं TV चैनल्स वगैरह पर भी, कि गवर्नमेंट आमतौर पर ऐसे लॉस मेकिंग इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि अल्टीमेटली वो गवर्नमेंट ने डेफिसिट बियर करना है, तो गवर्नमेंट उससे बचने के लिए हल ये तलाश करती है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस को प्राइवेटाइज कर दिया जाए, टू सेल इट समवन एल्स, किसी और को बेच दिया जाए, वो उसको ऑपरेट करें. अगर नुकसान में भी होगा तो वही इदारा नुकसान बियर करेगा. देर आर सम पीपल हु आर फ्रॉम कराची इन द क्लासरूम, तो दे आर नो के पास कराची के अंदर पहले एक इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी थी जिसे KSC कहा जाता था. KESC जो थी, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी, ये पहले स्टेट ओन्ड और एंटरप्राइज था. इसको बाद में प्राइवेटाइज किया गया, और प्राइवेटाइज करने के कुछ अर्सा के बाद उस कंपनी ने अपना नाम KElectric रख लिया, एंड यू नो नाउ. तो जब ये ऑर्गेनाइजेशन भी प्राइवेटाइज हुई होगी, तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने जिसको बाय किया प्राइवेट पर्संस ने, उनका ऑब्जेक्टिव अगेन ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना, रादर मैक्सिमाइज करना था. तो उन्होंने मैक्सिमाइज करने के लिए जो सबसे पहले टेक्निक अडॉप्ट की इन तमाम इदारों ने, वो रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने की तरफ बाद में सोचा. पहले जो चीज़ हाथ में है उसको कंट्रोल किया जाए, जो हम खुद से इनकर कर रहे हैं वो कॉस्ट, और कॉस्ट को कट किया जाए. अगर हम कॉस्ट कट करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ सकता है. ये सारे का जो सारा सिनेरियो मैं आपके सामने ब्रीफ कर रहा हूँ, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव यही है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज इनफैक्ट अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम मैनेजर्स को, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल यूजर्स को, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के जो इंटरनल यूजर्स हैं उनको वो इंफॉर्मेशन, वो फैक्ट्स, सारी चीज़ें कम्युनिकेट करना चाहते हैं जिसके नतीजे में उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके. सो अगर उस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो फर्स्टली वी नीड टू नो कि हम या तो रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर लें या कॉस्ट को मिनिमाइज कर लें. इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने की बात नहीं करनी चाहिए. हम पहले बीइंग मैनेजमेंट अकाउंटेंट या अ स्टूडेंट और लर्नर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो पहले जिस चीज़ को फोकस करने जा रहे हैं वो कॉस्ट मिनिमाइजेशन टेक्निक्स हैं. और कॉस्ट मिनिमाइजेशन टेक्निक्स लर्न करने के लिए सबसे पहले हमें जो जानना ज़रूरी है कि कॉस्ट होती क्या है, कॉस्ट कौन कौन सी तरह की होती है, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ कॉस्ट, और फिर उसमें बात करेंगे किस कॉस्ट को कंट्रोल करना है, किसको कम किया जा सकता है, किसको कम नहीं किया जा सकता. द आइडियल वे तो ये है कि अगर आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो भाई आप इस कॉस्ट को ज़ीरो कर दें.
अगर रेवेन्यू 100 का ही रहे और कॉस्ट 0 हो जाए तो प्रॉफिट भी 100 का हो जाएगा, लेकिन हमें पता है कि ये 100 करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज देर इज सर्टन कॉस्ट विच कैन बी कॉल्ड एज नेसेसरी कॉस्ट, और कुछ ऐसी भी है जिसे हम अननेसेसरी कॉस्ट के नाम से जानते हैं। तो अगर कुछ नेसेसरी कॉस्ट है और कुछ अननेसेसरी कॉस्ट है, इन द लाइट ऑफ दैट नेसेसरी कौन सी और अननेसेसरी कौन सी है, इसका पता तो हमें तभी चलेगा जब हम देखेंगे कि कॉस्ट है कौन कौन सी तरह की, और देन हम बात करेंगे कि कॉस्ट के अंदर कुछ नेसेसरी है या अननेसेसरी है, अवॉइडेबल है या कुछ अनअवॉइडेबल है, वो कौन सी है। तो प्राइमरली पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारे कॉस्ट की टाइप्स क्या हैं। ये जो बातें मैंने अभी आपके सामने की हैं इसकी लाइट में कुछ मैंने ऑलरेडी लिख दिया था, मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्राइमरली कॉस्ट दो तरह की होती है बाय नेचर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉस्ट इनकर हो रही होती है वो बाय नेचर दो तरह की है, या तो वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है या वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। मैं अभी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के हवाले से बात नहीं कर रहा, पहले मैं वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के हवाले से बात कर रहा हूँ। अभी जरा नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर आप समझना चाहते हैं तो यू मे अंडरस्टैंड कि जब आप कोई भी बिजनेस ऑपरेट करते हैं, कोई भी बिजनेस अगर आप ऑपरेट करते हैं तो यू नीड टू इनकर सम एक्सपेंसेस, सम कॉस्ट, जिसे शायद हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम से भी जानते हैं। तो जब ये कोई भी बिजनेस की बात आ रही है तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बिजनेसेस भी मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। तो बिजनेसेस कितनी तरह के हो सकते हैं, जनरली जनरली बिजनेस अकॉर्डिंग टू द नेचर जो क्लासिफाई किए जाते हैं वो तीन तरह की कैटेगरीज में हैं, या तो बिजनेसेस ट्रेडिंग बिजनेसेस होते हैं, या बिजनेसेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस होते हैं, या बिजनेसेस सर्विसेज बिजनेस के नाम से जाने जाते हैं। एनीवन अगर किसी का माइक अभी खुला हुआ है और वो बात कर सकता है, तो एनीवन इफ ही समवन वांट टू लेट मी नो कि ट्रेडिंग बिजनेस कौन सा बिजनेस होता है, एनीवन अगर जिसका माइक ओपन है, अभी मैं किसी और का माइक ओपन नहीं कर रहा, जिनका ओपन है अगर वो खुद से बताना चाहे तो। ट्रेडिंग और बिजनेस है सर, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विदाउट एनी चीज। शाबाश, ओके। कुछ लोगों ने हैंड रेज किया है, लेट मी आस्क देम टू व्हाट दे वांट टू टॉक। जी हमजा इकबाल, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अजहर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी हमजा बताइएगा। सर लाइक ट्रेडिंग बिजनेस ये है लाइक जिसके अंदर हम working with different kinds of product which are sold for consumer, business or government purpose. Different kind of products sold ki jati hain, to koi example denge apne ird gird se? Services bhi aa sakti hain sir usme, aa sakti hain, ye to aapne define kar diya, aapne bata diya। आई एम जस्ट आस्किंग कि आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, आपके इर्द गिर्द कोई एग्जाम्पल तो होगी जिसको आप इस कैटेगरी में फिट कर सकते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो आपको नजर आ रही है। जी जी प्लीज बताइए। ये हो सकते हैं मतलब जो होटल्स होते हैं। जी होटल्स होते हैं, होटल से मुराद आप क्या ले रहे हैं, जो अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं या फूड प्रोवाइड करते हैं? सर जो अकोमोडेशंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो जो फूड प्रोवाइड करते हैं क्या वो बिजनेस नहीं कर रहे होते? चले पहले इसको जरा थोड़ा सा रिकॉल करें। ओके फाइन, बिजनेस किसे कहते हैं? चले जरा हमें समझना मजीद आसान हो जाएगा, बिजनेस किसे कहते हैं? व्हाट इज मेंट बाय बिजनेस? सर बिजनेस लाइक जिसके अंदर हमारा पर्पस होता है लाइक ट्रेड करने का, सबसे पर्पस होता है ट्रेड करते हैं, प्रोफेशन होता है हमारा। नहीं पर्पस, पर्पस ट्रेड करना नहीं है, तो तरीका कार होगा ना, पर्पस क्या होगा? पर्पस तो आप अभी बात करके आ गए हैं कि पर्पस तो बिजनेस का प्रॉफिट अर्न करना है, ऐसा नहीं है? जी सर आप कुछ बताना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं? सर जिसके अंदर लाइक हम गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फॉर प्रॉफिट पर्पस, प्रॉफिट के लिए, वो बिजनेस है हमारा। थोड़ा सा चूंकि आप लिंक चीजों को कंफ्यूज कर रहे हैं तो इसलिए मैं थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूँ अब आपके जवाबों को।
गुड्स और सर्विसेज दोनों एक ही चीज के नाम नहीं है, इसलिए थोड़ा सा हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसीलिए हमने बिजनेस की टाइप्स बनाई है। मैं अभी इस पर डिस्कस करता हूँ। अगर आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं या बात करना चाह रहे हैं तो यू मे आस्क। अच्छा, जो शौकिया हाथ खड़ा कर रहे हैं ना, इनसे गुजारिश है प्लीज ना करें। ईशा, आप कुछ बात करना चाह रही हैं, कर लें। सर, ट्रेडिंग बिजनेस के बारे में बताना था जी, कि प्लीज बताएं। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विदाउट एनी अल्टरेशन। शाबाश, ओके जी। कोई और सवाल अगर है, अगर कोई इसको बताना चाह रहा है तो चलें, ये तो आ गया, अब हम इसको इलेबोरेट कर देते हैं। पहले मैंने इसीलिए कहा था कि जरा बिजनेस क्या है उसको थोड़ा सा जहन में दोबारा ले आए। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। प्राइमरली बिजनेस इज कॉल्ड एज एनी लीगल एक्टिविटी विच इज डन फॉर द सेक ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कोई भी लीगल काम किया जाए, इलीगल नहीं, लीगल काम जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना हो, ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना है, वो डॉस पे भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब जब शुरू किया गया तो इस नियत से शुरू नहीं किया गया, ये गोल नहीं रखा गया कि हमने लॉस में जाना है। ऑब्जेक्टिव इज देयर तो प्रैक्टिकली लॉस भी हो सकता है, बट मैं जो बात कर रहा हूँ वो दो शरायत हैं। इनफैक्ट डेफिनेशन की जब भी बात करेंगे किसी भी चीज के हवाले से तो डेफिनेशन ऑलवेज लेज डाउन अ क्राइटेरिया अपॉन विच यू मे आस्क समथिंग फॉल इन द स्कोप ऑफ दैट डेफिनेशन दैट ऑब्जेक्ट, और कुछ इससे निकल जाएगा। तो हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो मैं एलेबोरेट कर रहा हूँ। बिजनेस मीन्स एनी लीगल एक्टिविटी विच इज डन फॉर द सेक ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। एक्टिविटी लीगल होनी चाहिए, एक शर्त ये है, काम कोई सा भी हो लेकिन वो लीगल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव उसका प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। ये दो मेन क्राइटेरियंस हैं। जो भी ऑर्गेनाइजेशन इन ऑब्जेक्टिव्स को, इन क्राइटेरियंस को मीट कर रही होगी वो बिजनेस के डेफिनेशन में आ जाएगी। सो लेट मी क्लैरिफाई टू यू, जो लोग कराची से बिलोंग करते हैं उन्होंने कराची के अंदर शायद ईदी या छीपा का नाम सुना होगा, और जो बाकी प्रोविंसेस में हैं शायद उन्होंने छीपा का नाम तो इतना नहीं सुना होगा बट ईदी का नाम ज़रूर सुना होगा। तो ये जो ईदी साहब की ऑर्गेनाइजेशन है ये लीगल काम कर रही है या इलीगल? जिसका माइक ओपन है किसी का भी वो जवाब दे दे, लीगल काम है या इलीगल काम है? जो ये ईदी साहब की ऑर्गेनाइजेशन जो है ये लीगल काम कर रही है या इलीगल? कुछ लोगों का माइक ओपन है, वो खुद से अगर जवाब देना चाहें इस चीज का जवाब दे सकते हैं। मैं किसी और को अभी अनम्यूट नहीं कर रहा, आप में से कोई जवाब देना चाहे तो। ओके मोइस जी, मोइस आप बता दें। मुश्किल सवाल पूछ लिया मैंने। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी भाई बताएं सर, ये लीगल एक्टिविटी है क्योंकि ये फाइन, बस यार एक ही सवाल का जवाब आपसे पूछा, यानी ये काम जो कर रहे हैं वो लीगल है, फाइन। तो क्या इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना है या नहीं है, ये भी बता दें आप। अजर नो सर, ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, मतलब अभी हम वो क्या है उसकी बात नहीं करते, हम बात कर रहे हैं कि क्या ये दोनों शराइत पूरी कर रही है। एक शर्त तो पूरी कर रही है कि काम लीगल है लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरती, वी मे नॉट कॉल दैट ऑर्गेनाइजेशन एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन लाइक अब तो के थोड़े से कराची आइट्स हैं, अगर मेरी बात बुरी लगे तो इसको बुरा ना लीजिएगा, मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस बता रहा हूँ। इन द पास्ट शायद अभी भी ऐसा होता है, कराची के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा होता था, बाकी जगहों पर भी होता होगा। लाइक यू आर हैविंग अ गन और आप वो गन लेके खड़े हो जाएं कॉर्नर पे और जाते हुए लोगों से मोबाइल छीन लें, वॉलेट छीन लें, पैसे छीन लें, तो काम लीगल है या इलीगल? इलीगल है सर। ओके, इलीगल है। पैसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे? पैसे बन रहे हैं सर। पैसे बन रहे हैं, ओके, पैसे तो बन रहे हैं लेकिन ये काम लीगल नहीं है। सो अगर काम लीगल नहीं है, पैसे प्रॉफिट बन रहा है तो भी ये बिजनेस नहीं है। अगर वो काम लीगल है और ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है तो भी वो बिजनेस नहीं है।
दोनों शर्तें पूरी होंगी तो वो चीज़ बिजनेस की कैटेगरी में फॉल करेगी। अगर आप कभी फिजिकली ICMA लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जिस भी सेंटर में आप जाते थे, अगर आप वहाँ क्लासेस अटेंड करते थे तो यू विल सी कि इर्द गिर्द कोई ना कोई बुक शॉप आपको मिलती थी। तो माय क्वेश्चन इज दैट, क्या वो बुक शॉप वाला जो है वो लीगल काम कर रहा है या इलीगल काम कर रहा है? लीगल कर रहा है सर। और ऑब्जेक्टिव उसका प्रॉफिट अर्न करना है या नहीं है? जी सर बिल्कुल वो भी है। ओके, अगर उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना है और काम वो लीगल कर रहा है तो वो बिजनेस कहलाएगा। अगर उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना ना हो या वो काम लीगल ना हो तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। सो अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप डिफाइन करना चाहेंगे क्या वो बिजनेस है या नहीं है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस दो क्राइटेरिया को, इस कंडीशन को मीट करेगी वो बिजनेस की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगी। अब आप अपने इर्द गिर्द मिसालें तलाश करें तो आपको 101 मिसालें मिलेंगी। मैंने बुक शॉप की मिसाल दी है, ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं, आप अगर जैसे बहुत सारे लोग रूरल साइड से भी बिलोंग करते हैं, दे विल सी कि उनके विलेजेस के अंदर गली मोहल्ले में कोई दुकान होती है, वो शायद प्लम्बिंग की दुकान हो सकता है, प्लम्बिंग मीन्स सैनिटरी का सामान उन्होंने रखा हो। जैसे अगर आप ICMA में तशरीफ लाते थे फिजिकल, तो एक कैफ़े भी होता है वहाँ पे। सो ऑल दोज पीपल, इन तमाम की मिसाल देंगे तो ये सारे के सारे लोग अगर किसी बहुत बड़े कारों के शोरूम का जिक्र कर लें, आप ये जो बड़े बड़े हमारे यहाँ रिटेल स्टोर्स खुले हुए हैं उनका जिक्र कर लें, बड़े बड़े ब्रांड्स का जिक्र कर लें जिनकी आउटलेट्स हैं, इन तमाम जैसे जे डॉट है एक कॉमन ब्रांड जो तमाम प्रोविंसेस में फॉल करते हैं, अगर आप इन तमाम लोगों को समझेंगे कि इन तमाम लोगों का ऑब्जेक्टिव बिजनेस, ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना है और सेकेंडली काम ये लीगल कर रहे हैं, फाइन। हम इन क्राइटेरिया पे पूरा उतरने वाली ऑर्गेनाइजेशंस को फर्दर तीन हिस्सों में कैटेगराइज कर रहे हैं कि कुछ इनमें से ऐसे बिजनेसेस हैं जिन्हें हम ट्रेडिंग बिजनेसेस कहते हैं। ट्रेड करने का मतलब बाय और सेल करना होता है। सो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विदाउट एनी ऑल्टरेशन, विदाउट एनी चेंज, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, जैसे चीज़ खरीदी है बाय की है वैसे ही सेल कर दी है। आप किसी बुक शॉप वाले के पास जाते हैं, यू आस्क हिम फॉर अ बॉल पॉइंट, तो क्या वो बॉल पॉइंट खाली पकड़ता है, उसमें इंक भरता है आपके सामने एंड देन ही और ही हैज टू डिलीवर इट टू यू? तो जवाब नहीं में है। आप किसी ग्रॉसरी स्टोर पर चले जाते हैं, वहाँ पे डिस्प्ले में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं और वहाँ से आप शैम्पू बाय कर लेते हैं किसी भी ब्रांड का, तो वहाँ पे शैम्पू जैसे ख़रीदा गया था वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ और वैसे के वैसे ही सेल कर दिया गया है। तो जितने भी बिजनेसेस आपको इर्द गिर्द मिलते हैं जो इस क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं कि जैसे वो चीज़ बाय करते हैं वैसे की वैसे सेल कर देते हैं विदाउट एनी चेंज, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, विदाउट एनी ऑल्टरेशन, ऐसे बिजनेसेस को ट्रेडिंग बिजनेसेस कहा जाएगा। आई होप जिनके माइक ओपन है उनको समझ आ गई होगी, अगर कोई उनमें से रिस्पॉन्ड करना चाहे तो आई होप थोड़ी सी क्लियर होगी। सेकेंड जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, काइंड जो है बिजनेस की, वो मैन्युफैक्चरिंग है। सो बाइंग एंड सेलिंग इसमें भी इन्वॉल्व है, बाय किया जाता है और सेल किया जाता है, लेकिन जो चीज़ बाय की गई है उसको सेल नहीं किया जा रहा बल्कि उसको चेंज करके, ऑल्टर करके, मॉडिफाई करके सेल किया जा रहा है। आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े जैसे ये फूड पॉइंट्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, अगर आप उन फूड पॉइंट्स या रेस्टोरेंट्स को देखें तो वो अगर चिकन बाय करते हैं तो जैसा बाय कर रहे हैं वैसे ही कच्चा प्लेट में डाल के आपके सामने रख देते हैं कि कच्चा ही खा लें, तो ऐसा नहीं है भाई। जैसे वो बाय कर रहे हैं वैसे सेल नहीं कर रहे, दे आर गोइंग टू अमेंड इट, चेंज इट, मॉडिफाई इट, वो चेंज करके मॉडिफाई करके आपके सामने रख रहे हैं। तो एवरी बिजनेस जो बाय और सेल तो करता है लेकिन जैसे बाय करता है वैसे ही सेल नहीं करता बल्कि आफ्टर चेंज, आफ्टर मॉडिफिकेशन सेल करता है, तो उसे हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के नाम से जानते हैं। अदर एग्जांपल, मैं जिनका माइक ओपन है वो मुझे जवाब दे दीजिएगा। मैं मिसाल देता हूँ कि एक साहब हैं जो लकड़ी बाय करते हैं, वुड, और वो वुड ही सेल कर देते हैं, तो क्या वो ट्रेडिंग कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं? ट्रेडिंग है। एक साहब हैं जो लकड़ी खरीदते हैं और चेयर्स बना के बेच रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग।
बेच वो लकड़ी ही रहे हैं, लेकिन लकड़ी की शेप वो नहीं रह गई, लकड़ी को उन्होंने ऑल्टर किया, कोई और चीज डेवलप की, मीन वो जो भी डेवलप किया हम उस पर कंसर्न नहीं. इफ देयर इज अ चेंज इन द कमोडिटी विच इज बीइंग सोल्ड और वो डिफरेंट है फ्रॉम द कमोडिटी विच वी हैव बॉट, तो हम उसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहेंगे. मेरी बात समझ पाए होंगे. अगर आप सर्विसेज बिजनेस, अभी मेरे दोस्त जो कि कंफ्यूज कर रहे थे हमजा प्रॉबेबली, तो मैंने इसलिए कहा था कि लेट मी गिव यू अ डिटेल्ड ओवरव्यू. सर्विसेज बिजनेस में बाइंग एंड सेलिंग नहीं होती. ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में दोनों में हमने एक ही बात की है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. दोनों में ही मैंने फिक्रा बोला है. पहले में बोला है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विदाउट एनी चेंज, और दूसरे में बोला है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स आफ्टर चेंज. तो अगर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स आफ्टर चेंज कहा गया, तो इसमें भी और ऊपर वाली चीज के अंदर भी गुड्स इन्वॉल्व हो रही हैं, फाइन, और बाइंग एंड सेलिंग भी इन्वॉल्व हो रहे हैं. ये तीसरी चीज है, इसमें गुड्स की बात नहीं आ रही. सर्विसेज लिखा हुआ नाम से जाहिर है इसमें सर्विसेज का बिजनेस हो रहा है. तो व्हाट इज मेंट बाय सर्विसेज बिजनेस? क्या कुछ बाय किया जाता है, क्या कुछ सेल किया जाता है? लाहौर, इस्लामाबाद, पंजाब साइड पे चुके नमाज मगरिब का वक़्त है, लेटर्स अलाउ फॉर 5 to 7 minutes फॉर ऑफरिंग प्रेयर. यहीं से स्क्रीन डिस्प्ले पे ही है और क्लास भी ऑन है, कोई क्लास लीव नहीं करें. माइक अगर आप अपने म्यूट करना चाहें अपने एंड से कर सकते हैं. 5 to 7 minutes में आफ्टर क्विक प्रेयर ब्रेक हम ज्वाइन कर रहे हैं.